कल से एक माह का सड़क सुरक्षा माह पुनः शुरू कराया जा रहा है। इसमें यातायात जागरूकता के साथ ही साथ जितने हमारे यहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं उन पे भी निगरानी की जाएगी और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और जगह जगह स्कूल कॉलेजों में अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम चलाए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो ई रिक्शा हैं, चाहे हमारे ऑटो रिक्शा हैं या चार पहिया वाहन चालक हैं, सभी को जागरूकता चलाई जाएगी, सभी से मीटिंग की जाएगी और जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं उनके कारणों को जानकारी करके वहाँ पर उनका निस्तारण किया जाएगा। कितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं हमारे जनपद में? 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं जिसमें कि संबंधित विभाग के द्वारा वहाँ पर रिफ्लेक्टर या फिर ब्लिंकर लाइट या फिर ऐसे जो निर्देश हैं, जो सिग्नल हैं, उनको स्थापित किया गया जिससे कि वहाँ पर दुर्घटना ना हो। सर, कितने एरिया ऐसे हैं जहाँ पर चिन्हित करके बोर्ड लगाए गए हैं कि दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र हैं? जो हमारे 17 स्थान हैं जिनमें कुछ जगह जो कट है उसको बंद करा दिया गया है और जहाँ पर या जो पैदल आने वाले जो लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो उस रास्ते का उपयोग करते हैं और जिसकी वजह से दुर्घटना होने की संभावना रहती है वहाँ पर ब्लिंकर लाइट लगाई गई है, कहीं पर रिफ्लेक्टर लगवाया गया है, तो ये संबंधित विभाग के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई पूर्ण की गई है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को अगर वहाँ पर कोई और सुधार किया जा सकता है उसके लिए भी लगातार वहाँ पर प्रक्रिया चलती रहेगी। कितने सर अवैध टैक्सी स्टैंड जो खत्म किए गए हैं और कितने अभी लीगली चल रहे हैं? हमारे जनपद में 15 टैक्सी ऑटो बस स्टैंड वैध रूप से चल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व में जो 7 अवैध रूप से चल रहे थे जो पूर्व में हटाए जा चुके हैं और इसमें समय समय पर लगातारी कार्रवाई की जाती है। पूर्व में पिछले वर्ष 2022 में 2 जगह मुकदमा भी थाना लालकुर्ती में और थाना सरदना में, इसमें अवैध ऑटो स्टैंड चलाने वालों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया था, उनको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था।